नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। अभिमुक्त सरानंद ने एक इंटरव्यू में बताया, औरंगजेब के बाद अगर सबसे अधिक मंदिर किसी ने तोड़ा है तो वो है नरेंद्र मोदी। शंकराचार्य की बातों में छुपे दर्द को सुने, पेश एक रिपोर्ट। क्यों होंगे तो हम मोदी विरोधी नहीं, हाँ मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं, 2000 साल, 1500 साल, 1000 साल पुरानी जो हमारी पूजित मूर्तियां थी उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया, हमने विरोध किया और डट करके किया, और आज भी करते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहेंगे। तो वो हम कहते हैं कॉरिडोर बना नहीं, आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए हम 50 की हत्या कर दें। आप बताइए, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए हम 10 मूर्ति तोड़ दें, एक मूर्ति का महात्म्य बढ़ाने के लिए, ये नियम नहीं है। आप सब मूर्तियों का महात्म्य आपको बढ़ाना चाहिए। आप एक मूर्ति के लिए 10 मूर्तियों को तोड़ करके कहेंगे कोई ने अच्छा काम किया, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है कहीं, वो दृश्य हमने देखा है, तो हमने विरोध किया है और हमने कहा कि ये गलत है, और जो गलत होता है उसके लिए हम कहते हैं और कहते रहेंगे, इसी के लिए हम इस जगह पर हैं। अगर हम ये ना कह सकें, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहीं भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वेगहीं नास। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। बहुत बहुत।